सो विल कंटिन्यू विथ मोर ऑफ कैलकुलस। तो हमने कल कैलकुलस का पहला पार्ट देखा था, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको तुम डेरिवेटिव भी बोलते हो, जिनको तुम डिफरेंशिएशन भी बोलते हो। टुडे वी विल वेरी क्विकली रिवाइज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस के प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे फटाफट से, एंड देन वी विल गो अहेड विथ इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो पहले लेट अस जस्ट लुक एट प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स ये सिर्फ रिविजन पर्पज से है, ओनली फॉर रिविजन। तो आई विल बी वेरी क्विक इन रिवाइजिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको याद होगा, हमने कल प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स देखे थे। पहला प्रॉपर्टी था, इफ यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट, वो होता है जीरो। फिर हमने देखा था, इफ यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इन टू अ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इन टू अ फंक्शन क्या था, ये कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर इन टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वेरी गुड। देन इफ यू रिमेंबर, इसके बाद हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन एफ ऑन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एफ टू एक्स, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके गुड, देन वी हैव सीन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, क्या रूल था, फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट मान लो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एफ टू एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद क्या प्रॉपर्टी था, डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स, वॉट वॉज द रूल, डिनोमिनेटर मतलब एफ टू एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स माइनस न्यूमरेटर मतलब एफ वन एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज, दीज आर फाइव प्रॉपर्टीज दैट वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद हमने देखा था डेरिवेटिव्स ऑफ सम सिंपल फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ सम सिंपल फंक्शन, अराउंड 9 फंक्शंस हमने कल देखे थे, तो सबके सब याद होने चाहिए आपको। तो यू मस्ट रिमेंबर, वी हैव सीन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, क्या था डेरिवेटिव, n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. So n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. But number 2, derivative of e raised to f of x. Here the e raised to f of x into derivative of f of x. नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या था ये, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके बाद नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आएगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। Then you have fifth, that is derivative of cos of f of x, cos of f of x minus sin of f of x into derivative of f of x. इसके बाद derivative of tan of f of x, क्या था tan of f of x का derivative, sec square f of x into derivative of f of x. Then derivative of cot of f of x, cot of f of x क्या था ये, minus cosec square f of x into derivative of f of x, very good. And then number 8, derivative of sec of f of x क्या था ये, tan of f of x into sec of f of x into
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. चलो गुड, याद है, वेरी गुड. एंड द लास्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. वेरी गुड, गुड. अब ये तो था डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस. सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको तुम इंटीग्रेशन भी बोलते हो. हमने डेरिवेटिव का थ्योरी देखा था, हम इंटीग्रेशन का थ्योरी स्किप करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का थ्योरी जब आएगा जहाँ पे उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन है आएगा. आपको लॉस ऑफ मोशन में एक जगह आएगा जहाँ पे आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला होगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर वैसे समझेगा इंटीग्रेशन का थ्योरी. अभी मैं बता भी दूंगा तो आपको ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं, सिर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट इमेजिन वेयर वी आर अप्लाइंग दिस. फिजिक्स में कहाँ अप्लाई होगा वो आपको देखोगे आप लॉज ऑफ मोशन में तब का तब देखेंगे. सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन है. यस, दैट इज ट्रू. तो डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया था प्लस माइनस, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. मल्टीप्लाई डिवाइड आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. तो सिमिलरली इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. लेकिन फिजिकली या मैथमेटिकली डिफरेंस क्या है? डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको टू अंडरस्टैंड. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. सपोज यू गो टू अ प्लेस जो यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर दूर है. आपको 2 आवर लग गए. कितना टाइम लग गया? तो व्हाट वाज योर स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस को तुमने डिवाइड कर दिया टाइम से, है ना, 100/2 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर. लेकिन वेट, दिस इज द एवरेज स्पीड, क्योंकि तुम कहीं बीच में रुके भी होंगे, कहीं स्पीड ब्रेकर आया होगा वहाँ रुके होंगे, वहाँ स्पीड कम हुआ होगा, कहीं स्पीड बढ़ाया होगा, कहीं भूख लगी होगी, चाय पीना होगा, रुक गए होंगे, तो स्पीड 0 भी हुआ होगा. तो ये जो तुम बताते हो ये एवरेज स्पीड है. अब डेरिवेटिव्स कहाँ यूज होते हैं? डेरिवेटिव विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्पीड और एनी फिजिकल क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. याद रखना, डिफ्रेंशिएट करना, मैंने कल ही बताया था डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस करना. तो छोटे छोटे पीसेस क्यों किए? क्योंकि हमको एक फिजिकल पैरामीटर की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चाहिए थी. तो डिफरेंशिएट करते वक्त आप इंटरवल को छोटा 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 करते जाते हो. कब तक? जब तक आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू चाहिए फंक्शन का वो मिल नहीं जाता. इसलिए याद है कल एक ग्राफ लिया था हमने, उसमें 2 पॉइंट लिए थे. बी पॉइंट को ए के पास में ला रहे थे. क्यों ला रहे थे? यही तो था, आप इंटरवल को छोटा कर रहे हो, बी को पास में ला रहे हो, मतलब बी और ए का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब इंटरवल है, वो क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है. कब तक? जब तक ए और बी क्या नहीं हो गए? कोइंसाइड. ए और बी कोइंसाइड हो गए तो जो स्ट्रेट लाइन था, जो सेकेंड था, वो क्या बन गया? और उस टेंजेंट को हमने क्या बोला? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मतलब डेरिवेटिव में आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो हम लोग डिफरेंशिएट मतलब इंटरवल छोटा 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 तब तक करते जाते हैं जब तक जिस पॉइंट पे हमको वैल्यू नहीं मतलब चाहिए, तब जब तक वो पॉइंट नहीं आता तब तक क्या करते जाओगे? इंटरवल को स्मॉल. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशन? इज दैट यू आर मेकिंग इंटरवल स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल. कब तक स्मॉल? जब तक जिस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए वो पॉइंट आता नहीं. तो डिफरेंशिएट मतलब क्या करना? स्मॉल करना. क्यों करना? क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए थी फंक्शन की एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन सिंगल पॉइंट, एट अ गिवन. वेरी गुड. इंटीग्रेशन में उल्टा होता है. इंटीग्रेट, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेट? इंटीग्रेट, अरे इंटीग्रेट इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको इंटीग्रेट किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आपको साथ में लाया. तो इंटीग्रेट करना मतलब साथ में लाना. तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में आप एक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक. मतलब आप अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हो और सबको ऐड करते हो. क्या करते हो? तो एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, राइट? तो इंटीग्रेशन ये कभी भी
एक बड़े इंटरवल में देखा जाता है और डिफरेंशिएशन एक सिंगल पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएशन करना मतलब फंक्शन की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पे निकालना, और इंटीग्रेट करना मतलब फंक्शन की वैल्यू एक इंटरवल में फाइंड करना। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया। इंटीग्रेशन में वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू इन बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट के बीच के जितने भी वैल्यूज होंगे उन सबको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो यू आर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल, दैट इज इंटीग्रेशन, एंड यू आर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट, दैट इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। पक्का याद रहेगा? तो डिफरेंशिएशन में हम लोग इंटरवल को छोटा छोटा करते हैं और इंटीग्रेशन में हम लोग इंटरवल को बड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वैल्यू चाहिए। गुड। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। क्या है? वेरी गुड। अगर अपोजिट है तो फॉर्मूला भी एक दूसरे के अपोजिट ही बनते हैं। तो मैं आपको अभी फॉर्मूला पर तो जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टीज। जैसे आपने डेरिवेटिव्स के प्रॉपर्टी देखे, वैसे देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन आल्सो। अभी फिलहाल के लिए हमको दो ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो हम दो ही प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे तुमने डेरिवेटिव को कैसे लिखा था, डी डी एक्स, क्या लिखा था? इंटीग्रेशन को ऐसा लिखते हैं, ये कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी डी एक्स, इसका होता है ऐसा लाइन, दिस इज नॉट एस, ये एक कर्व है, राइट? करेक्ट, पक्का। तो ये इंटीग्रेशन है, एस एक कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। एक्स इज इंडिपेंडेंट, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड करेगा, तो इंटीग्रेशन भी एक्स पे होगा। तो क्या लिखोगे, डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटू अ फंक्शन इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव से कॉन्स्टेंट को तुमने क्या किया था, क्या किया था डेरिवेटिव से कॉन्स्टेंट को, बाहर, बाहर किया था ना, यहाँ पे भी बाहर। तो यहाँ पे भी एस क्या था, कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, गुड, पक्का। तो डेरिवेटिव में डी एक्स डिनोमिनेटर में आता है और इंटीग्रेशन में कहाँ आता है, न्यूमरेटर में। गुड, सिंपल। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटू इज कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर टू, अगर मेरे पास दो फंक्शन का एडिशन है और मैं उस एडिशन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास दो फंक्शन का एडिशन था, हम उसका डेरिवेटिव ले रहे थे, तो क्या किया तुमने, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सिर्फ dx से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। बट तो ये रूल और वो रूल, मतलब ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी, जैसा डेरिवेटिव में वैसा का वैसा इंटीग्रेशन में। तो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था, कॉन्स्टेंट लिमिट से बाहर, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। मेरे पास दो फंक्शन का अगर एडिशन है और मैं उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सिमिलरली अगर मेरे पास दो फंक्शन का एडिशन का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब जैसे तुमने देखा, क्या देखा, डेरिवेटिव्स ऑफ सम सिंपल फंक्शन, वैसे हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम सिंपल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम सिंपल फंक्शंस, सम सिंपल फंक्शंस। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को याद रखना नहीं होता है, अगर तुमको डेरिवेटिव के फॉर्मूला याद होंगे तो। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, एन इंटू एक्स रेज टू, वेरी गुड। अब हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। ये कैसे फाइंड करते बताता हूँ मैं। मैंने तुमको अभी बोला, अभी जस्ट बताया मैंने, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो देखो ऐसा करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन है, एन है ना, अगर मैंने एन की जगह पे
n के जगह पे n प्लस वन लिख दिया, क्या लिख दिया, n प्लस वन। और तुम कर सकते हो वैसे, ये n इसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। क्या बोलते हैं? डमी इंडेक्स। मतलब तुम यहाँ पे n लिखो, तुम यहाँ पे m लिखो, तुम यहाँ पे p लिखो, तुम n के जगह पे n प्लस वन लिखो, n माइनस वन लिखो, कुछ भी लिखो चलता है, है ना, कुछ भी लिखो। तो n जगह पे क्या लिख दिया, तो यहाँ पे n है तो क्या लिखूंगा, n प्लस वन, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, n प्लस वन। वेरी गुड, n प्लस वन। x रेज टू n की जगह पे लिखूंगा n प्लस वन, और साथ में कौन था, माइनस वन। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस वन इज इक्वल्स टू n प्लस वन x रेज टू n। वैसे डायरेक्ट भी बोल सकता था मैं, इधर n है, इधर n है, तो इधर n में से एक कम है, तो इधर अगर n प्लस वन है तो इधर भी क्या आएगा, n प्लस वन, और ऊपर पावर में n प्लस वन में एक कम होगा, मतलब n होगा। आ गया क्या राइट? अब ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं, बताता हूँ याद कैसे रखते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का dx डिनोमिनेटर में आता है, और इंटीग्रेशन का dx कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई। इसको उठाओ यहाँ रख दो, रख दिया, गुड। ये जो n प्लस वन है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तुम यहाँ मल्टीप्लाई करो या यहाँ डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं नहीं पड़ता ना फर्क, नहीं बराबर। उसके बाद ये साइन किसका था, डेरिवेटिव का, किसका था, डेरिवेटिव का साइन हटाओ और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या हो गया, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, देखो होगा वहां है क्या, है ना, है ना? अब वो प्लस सी कहाँ से आ रहा है बताता हूँ मैं, पर इतना तो है ना, वो प्लस सी क्यों आया आप बता देता हूँ। प्लस सी मैंने अभी बोला था, अभी अभी इंटीग्रेशन डिफाइन करते वक्त तुमको मैंने बताया, इंटीग्रेशन में तुम एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हो, बोलो ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू। अभी जब वन पॉइंट टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जीरो से फाइव तक, जीरो से, तो जीरो से फाइव लिखना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन के ऊपर, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक ले रहे हो, तो क्या लिखोगे, जीरो टू फाइव, सम पॉइंट ए टू सम पॉइंट बी, ऐसा लिखना पड़ता है, ए टू बी, बी टू सी, जीरो टू फाइव, जीरो टू टेन। तो ये आपको बता, इसको बाय द वे ये जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा उसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, बराबर। अब इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट मतलब जिसमें लिमिट्स नहीं हो, मतलब तुमको पता ही नहीं कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, और एक होता है डेफिनाइट, क्या होता है, डेफिनेट में लिमिट लिखा होता है, मतलब तुमको पता है कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट में लिमिट्स होते हैं क्या, लिमिट्स नहीं होते, इसके लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ तब लगेगा जब लिमिट्स नहीं हो, मतलब कौन सा इंटीग्रल हो, इनडेफिनाइट, कौन सा, जैसे ही तुमने लिमिट्स लगा दिए तो वो कांस्टेंट को गायब कर देना, गुड। ये कौन सा इंटीग्रल है, डेफिनाइट, कौन सा ये, कौन सा ये, और ये कौन सा है, तो इनडेफिनाइट में क्या लिखेंगे, प्लस, बराबर। तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको कि डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला याद है, अगर तुमको डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन याद है, क्या है, एन प्लस वन एक्स रेस टू एन, तो तुमको एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन निकालते आएगा, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ लेना है, इसको यहाँ लेना है, इसको भूल जाना है, इसको याद करना है और डिवाइड करना है, हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब थोड़ा सा और मिर्च मसाला ऐड करते हैं, थोड़ा रहता है ना, थोड़ा थोड़ा। हमने एक्चुअली, मैंने आपको बताया था ये जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन तुम लिख रहे थे, मैंने बोला ये तो स्पेशल केस है, रियल फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, क्या था ये, एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स,
बराबर। अब मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक्स रेज टू एन का बताया था, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का कैसे करेंगे? सेम रूल, एन की जगह पे एन प्लस वन, जहां जहां एन दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे? एन प्लस वन। एन प्लस वन माइनस वन मतलब एन। गुड। फिर मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि जो dx है ना, यहां से उठाना और यहां रखना, रख दिया गया। yes. फिर मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स रेज टू एन dx को छोड़ के, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन dx को छोड़ के जो भी बचा, कौन बचा? एन प्लस वन, और कौन बचा? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको यहां शिफ्ट कर दो और ये डेरिवेटिव को भूल जाओ। भूल गए क्या? यस। यहां पे क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन। ये हो गया फॉर्मूला, राइट। जब तुम एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव लेते हो, क्या लेते हो? क्या लेते हो? फॉर्मूला क्या था एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का? फॉर्मूला क्या था? एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन में इंटू नहीं, डिवाइड है ना, वहां पे तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्या करोगे? डिवाइड। तो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल क्या आएगा? एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एन प्लस वन। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स। बताओ तो क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी बोलो। एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ई रेज टू एफ ऑफ एक्स। तो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा? ई रेज टू एफ ऑफ एक्स। सिर्फ वहां पर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। और ये जो इंटीग्रल मैं लिख रहा हूँ, ये इनडेफिनाइट है कि डेफिनाइट है? तो हर इनडेफिनाइट में प्लस सी। हो गया पक्का? श्योर श्योर, गुड। तो हु विल टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टू एक्स? ई रेज टू टू एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ई रेज टू टू एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स। टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? टू। कितना होता है? कैसे टू आया? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स में टू कौन है? कॉन्स्टेंट, वो गया बाहर। कौन बचा? डी एक्स बाय डी एक्स, वो क्या हो गया? वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू अल्फा एक्स अगर आए, जैसे तुमने डेरिवेटिव में देखा था ई रेज टू अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या था? अल्फा, ई रेज टू अल्फा एक्स। इसमें भी कंफ्यूजन है, मैंने उधर ए लिखा था तो तुम ए था तो बोल रहे थे अच्छे से। व्हाट वाज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स? ए ई रेज टू ए एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स होता है ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए, बस, और प्लस सी। सिंपल करेक्ट। वहां पर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव डिवाइड होता है। इसके बाद लॉग एक्स, याद है क्या लॉग एक्स? चलो ठीक है, मैं आपको और सिंपल करता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था? वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, बराबर। अभी मैंने जो रूल आपको बताया, क्या बताया मैंने? ये डी एक्स को उठाओ, यहाँ लिखो। लिखा क्या? यस। फिर मैंने क्या बोला आपको? इसको उठाओ, यहाँ रखो। रखा क्या? यस। फिर ये डेरिवेटिव हटा के यहाँ क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। तो मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये इनडेफिनेट है क्या? यस। तो प्लस सी। हो गया फॉर्मूला रेडी। तो जैसे जैसे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये याद है क्या था? वन बाय एक्स। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज लॉग एक्स। अगर अगर
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन कौन है? लॉग एक्स है, हो गया सिंपल। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था? माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सिंपल। तो रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव में तुम मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करते हो, यहाँ पे तुम डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स करोगे, सिंपल प्लस सी। गुड, देन व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स? साइन एक्स, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है? साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, याद रह गई पक्का। तो अभी हमको फिजिक्स के लिए एट द मोस्ट यहां तक के इंटीग्रल लगने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ लगा तो जिस क्वेश्चन में यूज होगा तब का तब बता दूंगा। इंटीग्रेशन के लिए फिलहाल ये पांच और दो प्रॉपर्टीज, बस इतना ही याद हो तो हमारा काम फिलहाल तो हो जाएगा। तो वी विल मूव अहेड विद क्वेश्चंस नाउ। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे ना डेरिवेटिव्स के और इंटीग्रेशन के, तो हम लोग पहले डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर एग्जांपल 2.10। चलो यहां ध्यान दो, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट डाउन, तो बड़बड़ नहीं। यहां ध्यान दो वंस आई एम डन राइटिंग देन आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन एवरीथिंग। तो वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल 2.10। क्या बोला है आपको? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू ए, है ना? हाँ, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये गिवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स, चलो थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? एक्स रेज टू एन। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, सिंपल। तो इट इज टू सिंपल, वेरी सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स रेज टू ए। एन की वैल्यू कितनी है? एट। तो ये क्या आएगा? एट इंटू एक्स रेज टू एट माइनस वन, मतलब 8 इंटू एक्स रेज टू सेवन। मैं अभी एक एक स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन वंस यू आर एक्सपर्ट मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। एक्स रेज टू एट का डेरिवेटिव बताओ, 8 एक्स रेज टू सेवन। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ, 3 एक्स स्क्वायर। एक्स रेज टू फाइव का डेरिवेटिव बताओ, 5 एक्स रेज टू फोर। ये हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। दूसरा क्या है? एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ये फाइंड करना है। पहले तो बताओ फॉर्मूला, तो बाद में देखेंगे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो। वन फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन, प्रॉपर्टी क्या यूज होगा? एडिशन वाला। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या करते हो? डेरिवेटिव ऑफ एफ वन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ टू ऑफ एक्स, ठीक है, गुड। अब एफ वन ऑफ एक्स मतलब कौन है यहाँ पे? एक्स क्यूब। कौन है? एक्स क्यूब, वेरी गुड। तो एक्स क्यूब और एफ टू ऑफ एक्स कौन है? साइन एक्स, वेरी गुड वेरी गुड।
तो मुझे बताओ अभी ये फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू थ्री मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स रेस टू एन वो होगा एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तो ये दो फॉर्मूला यूज होंगे। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस प्लस कॉस एक्स, हो गया सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व। अभी आते हैं थर्ड पे सी पे, क्या था एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ठीक है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स सी पार्ट, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी कौन सा यूज करोगे प्रॉपर्टी डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, तो याद है क्या प्रॉपर्टी बताओ एफ वन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है गुड। और एक्स क्यूब मतलब एक्स रेस टू एन और साइन मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना है कॉस, तो अभी फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दे रहा हूँ अभी, तो आई नॉट राइट डाउन एवरी टाइम। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्या एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एफ वन कौन है एक्स क्यूब, एफ टू कौन है, रूल क्या बताता है एफ वन एज इट इज मतलब एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, वेरी गुड। व्हाट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस और व्हाट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, अब चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो नहीं तो यहाँ तक लिखा तो भी चलता है, चलो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा प्लस थ्री साइन एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2.10 खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स मतलब वन फंक्शन इंटू अनदर फंक्शन, उसका मतलब एक फंक्शन को कांस्टेंट मान लो एक्स क्यूब को, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट साइन एक्स का डेरेवेटिव प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट एक्स क्यूब का डेरेवेटिव, साइन का डेरेवेटिव कॉस एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ तक लिखा तो भी चलता है एंड इफ यू टेक आउट एक्स स्क्वायर कॉमन तो भी चलता है, चलता है तो हो गया ना मतलब यस। क्विक 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 नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, अभी आप दोनों में से एक मुझे फॉर्मूला बताएगा अगले क्वेश्चन का। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन किसका है इंटीग्रेशन का, आपके पास पहला फंक्शन दिया है एक्स रेस टू एट, आपको बोला है इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एट इसकी वैल्यू बताओ, ओके ये बताओ। अब मैं ज्यादा टू फाइंड या कुछ लिखूंगा नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो विच फॉर्मूला वैल्यू अप्लाई हियर, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स, तो क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एट डी एक्स, वॉट इज द वैल्यू एन हियर, अरे एन की वैल्यू कितनी है एट, तो एक्स रेस टू एट प्लस वन
अपॉन ए प्लस वन प्लस सी. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 8 डीएक्स इज एक्स रेज टू 9 अपॉन 9 प्लस सी. ये हो गया पहला इंटीग्रल. दूसरा है एक्स रेज टू 2 डीएक्स, लेकिन लिमिट्स दिए हुए 2 टू 5. इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इज इजी. इंटीग्रेशन किसका है, एक्स रेज टू 2 मतलब एक्स स्क्वायर डीएक्स 2 से 5 तक. हाँ, अभी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मुझे एक्सपेक्टेड है आप मुझे बताओगे एक्स रेस टू 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा. एक्स क्यूब मतलब एक्स रेस टू 3 अपॉन 3. वेरी गुड. यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं क्या, नहीं, क्योंकि कौन सा इंटीग्रल है, डेफिनाइट कौन सा है. हाँ, लेकिन इसको ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं. अब इसके बाद क्या करते हैं, 3 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, 1/3 एक्स क्यूब 2 to 5. अब x की जगह पे एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, लिख लिया क्या अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और बीच में माइनस लगाते हैं. तो जब डेफिनेट इंटीग्रल हो तो कॉन्स्टेंट नहीं लिखना, लेकिन कॉन्स्टेंट है ये c, इसको बाहर निकाल दिया. x रेस टू 3 अपर लिमिट कौन है 5, तो 5 क्यूब माइनस लोअर लिमिट कौन है 2, तो 2 क्यूब. व्हाट इज 5 क्यूब, 125 और 8, 125 में से 8 गए, 117/3. हाउ मच इज दिस, फैक्टर नहीं है 3 का, कैसे बातें कर रहे हो, 3 10 3 3 20 6, चलो याद आ याद आ गया आपको, याद आ गया 39 याद आ गया, गुड. इसलिए मैं बोलता हूँ द वे यू कैलकुलेट इज रॉन्ग. 3 × 4 कितना होता है, तो 3 × 40 कितना हो गया, 120. उसमें से 3 कम था तो 40 में से 1 कम होना चाहिए था, 39. तो सीधा फैक्टर्स हो गए. अगला x प्लस साइन x, तो इंटीग्रेशन x प्लस साइन x dx. कौन सा प्रॉपर्टी एडिशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x dx. dx छूटता नहीं है, dx क्यों छूटता नहीं है, क्योंकि dx तुमको बताता है कि तुम कौन से वेरिएबल पर इंटीग्रेट कर रहे हो, तुम पोजीशन पर इंटीग्रेट कर रहे हो कि टाइम पे कर रहे हो. रिमेंबर मैं तुमको बोला इंटीग्रेशन में तुम एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक पूरा का पूरा इंटीग्रेट करते हो, किसका वैल्यू, टाइम का, पोजीशन का, टेम्परेचर का. इसलिए ये यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे t, तो यहाँ पे भी t. ये इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, वेरी गुड. प्लस दूसरा फंक्शन कौन है, साइन एक्स डी एक्स. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, अरे एक्स रेस टू n का फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ n की वैल्यू इधर 1 है, एक्स रेस टू 2 अपॉन 2, एक्स रेस टू 2 अपॉन 2, साइन का माइनस कॉस और प्लस सी. अब बोलोगे दो इंटीग्रल है फिर दो कांस्टेंट क्यों नहीं है, तो होने चाहिए ना, दोने चाहिए कि नहीं, हाँ ठीक है सही है, ओके. तो पहले इंटीग्रल का पहला कांस्टेंट c1, दूसरे का दूसरा c2, लेकिन कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अगेन. इसलिए जब दो कांस्टेंट हो तो हम एक ही बार लिखते हैं इसको, x²/2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी. चाहिए तो लिख दो सी इक्वल्स टू c1 प्लस c2, हो गया डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विल मूव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5. Obtain derivatives of the following functions x sin x. तो आपको तीन फंक्शन दिए हैं एक एक करके
एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, एक्स साइन एक्स, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया कैंसल। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो यह क्या आंसर है, पक्का? देन सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड? एक्स रेस टू फोर प्लस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू फोर प्लस कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस कॉस एक्स, क्या करेंगे इसमें जल्दी बोलो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस साइन एक्स। आंसर में माइनस है कि प्लस है? माइनस है ना, हाँ तो बराबर है। इसके बाद x अपॉन साइन एक्स, x अपॉन साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x अपॉन साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन साइन एक्स, कौन सा रूल? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या था रूल? डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब साइन एक्स को एज इट इज लिखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर मत लिखना, साइन स्क्वायर एक्स। तो dx dx कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स माइनस एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। या तो ऐसा आंसर होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिखू क्या मैं? साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना? वेरी गुड, लिख सकते हैं ना? वेरी गुड। एक साइन एक्स कैंसल, व्हाट इज वन अपॉन साइन? कोसेक एक्स, कोसेक एक्स वन अपॉन साइन कोसेक एक्स, कॉस बाय साइन कॉट एक्स। या तो ऐसा होगा, अगर ऐसा भी नहीं है तो कोसेक एक्स कॉमन होगा वन माइनस एक्स कॉट एक्स। अभी देख लो आंसर में क्या है, वन अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। हाँ तो बेसिकली आपको ना पहली बात तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, वो माइनस ही आएगा। तो आपको क्या करके दिया है, सिर्फ इसको सेपरेट किया, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज वन अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बस इतना आपको दिया है आंसर। तो या तो उस फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर होता है अभी हाउ टू राइट। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हो गया होगा ऐसा अजम्पशन है। वेरी गुड, इवन इफ इट इज रॉन्ग फिर भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। Evaluate the following integral. It is very simple question, extremely simple. Evaluate the following integral. पहला इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डीएक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? माइनस कॉस एक्स। और लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2। अब एक चीज याद रखना, या तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, माइनस साइन बाहर निकालने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर इंपॉर्टेंट ध्यान दो, माइनस साइन को गायब कर दो, भूल जाओ, भूल गया क्या? हाँ तो लिमिट्स को उल्टा कर लो। तो
तो जब तुम नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर रहे हो तो तुम्हारा लोअर लिमिट अपर बन जाता है, अपर लिमिट लोअर बन जाता है। सॉल्व करके देख लो ना, वही आएगा। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे अपर लिमिट मतलब कॉस जीरो, माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट मतलब कॉस ऑफ पाई बाई टू। व्हाट इज कॉस जीरो, व्हाट इज कॉस पाई बाई टू, जीरो। तो आंसर इज वन, तो आंसर आ गया वन। देन सेकेंड इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स वन से फाइव तक, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट्स क्या है वन टू फाइव। तो वन बाय टू बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर फ्रॉम वन टू फाइव। अपर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट, फाइव, फाइव स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, व्हाट इज फाइव स्क्वायर माइनस वन, ट्वेंटी फोर बाई टू, कितना। तो आंसर इज गुड। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर टू।